छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से, जहां पुलिस की कार्यशैली से परेशान दंपत्ति आत्महत्या करने की दी चेतावनी। जी हां, खबर है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से, जहां राज्य में इन दिनों पुलिस की छवि धूमिल होती जा रही है। छत्तीसगढ़ का कोई भी जिला हो, हर स्थान में पुलिस का रवैया कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। ताजा मामला जांजगीर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां निवास करने वाले डॉक्टर के शर्मा ने अपनी 54 डिसमिल का सौदा किया था। नितेश यादव और कृष्णा कुमार यादव ने डॉक्टर को जमीन के बदले में अपना मकान देने की बात कहकर के शर्मा को 3 महीने पहले ही मकान पर कब्जा सौंप दिया था, लेकिन जब रजिस्ट्री का समय आया तो यादव ने डॉक्टर की गैर मौजूदगी में पहले तो मकान का ताला तोड़ा और फिर जबरन कब्जा कर लिया। और जब डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ वापस जांजगीर लौटे तो उन्हें घर का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाके देखा तो नितेश यादव अपने 3-4 साथियों के साथ घर के अंदर मौजूद था। जब डॉक्टर ने विरोध करना चाहा तो नितेश ने पहले तो गाली गलौज की और मारपीट कर बुजुर्ग दंपति को भगा दिया, जिसके बाद पीड़ित दंपति साफ के लिए कोतवाली थाना पहुंचे, लेकिन थानेदार ने उनकी एक नहीं सुनी और नितेश को थाने बुलाकर अपने ही सामने थाने में धमकी तक दिलवा दी। इतना ही नहीं, दबंगों ने थानेदार के सामने ही उनके थाने में ही डॉक्टर दंपति को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। डॉक्टर दंपति का आरोप है कि नितेश यादव ने ना जबरन केवल मकान में कब्जा किया बल्कि उनके घर में रखे जेवर और सामान पर भी कब्जा कर लिया है। दंपति का कहना है कि उनके घर में 50,000 नगद रखे हुए थे और इस काम के कागज भी रखे हुए थे, इन्हीं नितेश यादव ने अभी तक वापस नहीं किया है। जांजगीर पुलिस से सहयोग नहीं मिलने पर पीड़ित दंपति बिलासपुर रेंज के आईजी दफ्तर पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई और लिखित शिकायत में थानेदार के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की। इंसाफ नहीं मिलने पर पीड़ित दंपति आत्महत्या की धमकी भी दी है। देखिए बिलासपुर से लता गुप्ता की रिपोर्ट। वो लोग थाने में हम लोगों को चारों तरफ से दोनों पति पत्नी को घेर लिए और घेरने के पश्चात हमने जो सारी बातें बताई कि हमको 3 माह पहले ये लोग दो आदमी हमसे बेचे हैं, हमने ऐसा ऐसा किया है, अनुबंध है और ये इसने स्वयं हमको चाबी दिया है और हम 3 माह से उस मकान में हैं। अभी हमारी डेट है जिसमें ये लोग वादा किए हैं कि 25 तारीख तक हमारी ज़मीन रजिस्ट्री हो जाएगी, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? तो उसने आरोप लगाया, टीआई सुनने को तैयार ही नहीं था हमारी बात। हमने कहा कि भाई हमारे साथ जो घटना हुई है लूटपाट, उसकी तो आप रिपोर्ट दर्ज करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि मैं आपका कुछ नहीं सुनूंगा, ना आपका रिपोर्ट लिखूंगा, जो करना हो जाओ कर लो। वहाँ पर वो लोग चिल्ला रहे थे, मेरी धर्मपत्नी खुद सुनी है कि इन दोनों को वहाँ जा, ये अगर वहाँ जाएंगे अभी तो हम इनको मारेंगे और मार के फेंक देंगे। टीआई ने भी कहा कि हाँ हाँ, जो करना हम कर देना, फेंक देना इसे मार कर नहर में। और उसके बाद हमारी कोई नहीं सुना गया। हम वहाँ से एसपी मैडम के कार्यालय गए, एसपी मैडम के था और 5-6 लोग और उसके दोस्त थे। खुद उसका बाप ही बोल रहा था कि इसको मार के नहर में फेंक। तो क्या आपको लगता है कि जो अभी आप गए थे आईजी ऑफिस में, तो आपको वहाँ पे क्या लगा कि आपका कार्रवाई किया? मैं आज आईजी साहब के पास गया था, उन्होंने भी क्वेश्चन किया कि आप कल क्यों नहीं आए। मैं कहा कि मैं वहाँ से आने के बाद जान बचाते हूँ, फिर मैं उठ नहीं पाया कल, आज थोड़ी अच्छी लगी तो मैं आया हूँ और मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं। उन्होंने तुरंत जांजगीर की ओर फोन किया, तो जैसे ही इन्होंने फोन किया तो वहाँ के भी अधिकारी ने उनको सिर्फ मेरा नाम लेने से केस के बारे में बताना शुरू कर दिया। इससे ये भी साबित होती है कि टीआई के साथ साथ टीआई ने और भी लोगों को मिला के रखा होगा और पुलिस की सपोर्ट पे ये काम हुई होगी। तब मुझे मैडम बोली कि आप वहाँ पे जाइए,
और आपको सपोर्ट मिलेगा। मैंने मैडम को कहा है कि मेरी जान को खतरा है, जब थाने में मुझे मार के फेंकने की बात हो रही थी और वैसा वो लोग हरकत कर रहे थे। निवास पे गए, एसपी मैडम हमें उपस्थित नहीं मिली, चौकीदार ने बताया कि वो बाहर हैं, आप लोग सुबह आइए। फिर हम लोग वहाँ से जब यहाँ आए तो जो जितने लोग 10 लोग जो थाने में हमको घेर के बैठे थे और टीआई के सामने जान से मारने की धमकी दे रहे थे, वो लोग हमसे पहले मकान में जाके घुस चुके। हम लोग जैसे ही मकान पे पहुँचे हैं तो बस दरवाजे पे पहुँचे हैं कि निकले हैं, मेरे साथ मारपीट किए, मेरी पत्नी के साथ भी मारपीट किए, छीना झपटी किए और बेदम मारे हैं, मारते मारते घसीट घसीट कर हमें बाहर निकाल दिए। उसके बाद में मुझे कार में भरने का भी प्रयास किए और बोले कि इनको नहर में मार के फेंक दो। मेरी धर्म पत्नी गिड़गिड़ाई, एक बार इनको क्षमा कर दो।